जनरल सेक्रेटरी देवचंद्र नेगी आपके साथ मुखातिब हूँ। और अभी हमारा 25 तारीख से आंदोलन प्रारंभ हुआ है और हम 26 तारीख को सेक्रेटरीट भी गए थे, तो उस दिन थोड़ा हमें उन्होंने वेलफेयर ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिलाया था, तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी फाइल पुटअप हो रही है, टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब तक हमारा प्रदर्शन कंटिन्यू जारी रहेगा। तो इस संदर्भ में अब मंडे को उन्होंने दोबारा बुलाया, तो दोबारा जा कर के पता करेंगे क्या है। लेकिन सभी बेरोजगार साथियों की यही मांग है कि हम जब तक बैकलॉग कोटे को जो भरा जा रहा है, जो इस पर त्रुटियाँ हैं उसको ठीक नहीं किया जाए, तब तक हमारा आंदोलन अड़ी है, अनिश्चितकालीन रहेगा। तो अगर आपकी जो डिमांड्स है मंडे को मीटिंग के बाद भी अगर नहीं मानी जाती है तो आप कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करेंगे? जी, हमारा जो आंदोलन है ये कंटिन्यू रहेगा और एक क्रमिक अनशन, और ये 3 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी हमारी तैयारी रहेगी, जिसमें पूरे हिमाचल और हमारे जितने भी 3 दिसंबर को की रैली में कर्मचारी एवं बेरोजगार जितने भी है सब तमाम लोग आएंगे, और उस दिन एक बड़ा घेराव करने का हमारा एक योजना रहेगी सचिवालय का। कितने लोग आपके साथ में इस समय हैं आपके संगठन में, और किन त्रुटियों की आप बात करते हैं बैकलॉग कोटा में? बैकलॉग कोटा में जो त्रुटि है, बैकलॉग कोटा को जो ये भर रहे एक एक दो दो करके भर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट हो जाती है वो व्यक्ति दूसरी जगह भी अपॉइंटमेंट ले लेता है, फिर उससे पोस्ट वो ख़राब हो जाती है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि सारी पोस्टों को पहले एकत्रित किया जाए, फिर सारी पोस्टें एकत्रित करके उसको भर्ती मेले के रूप में भरा जाए। वजह क्या मानते हैं आपकी सरकार जो है आपकी डिमांड क्यों पूरी नहीं कर रही है, जो आपकी मांगे हैं? ये वैसे मैं आपको बताऊं, ये 2008 में भी भर्ती मेला लगा था, और हम चाह रहे कि जैसे 2008 के तर्ज पे भर्ती मेला लगा था उसी तर्ज पे दोबारा भी लगे, जिससे कि अधिक दृष्टिनों को फ़ायदा मिले। ये जो वजह आप पूछे इसमें, तो सोशल वेलफेयर डायरेक्टर जो डायरेक्टरेट है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा इस यही मेन वजह है इसकी। अगर वो इंटरेस्ट से काम करे, वेलफेयर के लिए काम करे, तो ये काम हो सकता है। टोटल कितने ऐसे प्रदेश में हमारे जो है बेरोजगार दृष्टिहीन हैं जो आपके साथ में? देखो जी, बहुत सारे लोगों की उम्र भी निकल रही है, करीबन हमारे 500 मेंबर तो हमारे है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, तो काफ़ी सारे लोग गाँव में भी होंगे, लेकिन जो बड़ी मुश्किल से जो पढ़ाई करके, एक तो यहाँ पे विद्यालय नहीं है, जो भी है दिल्ली में वो भी 10वीं तक, अभी वो प्लस टू भी है, उस पर टीचरों की कमी है, ब्रेल इंस्ट्रक्टर नहीं है, सुंदरनगर में लड़कियों के लिए है, उसके अलावा कुल्लू में है, तो बड़ी मुश्किल से दिल्ली चंडीगढ़ से पढ़ाई करके आते हैं, उसके बावजूद भी लोग बैकलॉग की जो नौकरियाँ हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.